नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। आज 28 अक्टूबर को बिहार के 16 जिलों के 71 विधानसभा सीटों पर भी मतदान जारी है और इस क्रम में कुछ दिनों पहले कई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नेता ने एक दूसरे पर जाकर जनसभाओं को संबोधित करने के दौरान एक दूसरे पर वार पलटवार किया। और इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने भी कहीं कहीं जगह जाकर जनसभाओं को संबोधित किया। और इस क्रम में जब वो पूर्वी चंपारण गए तो पूर्वी चंपारण में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर भी जमकर तंज कसा। आपको बता दें कि इस बार के आरजेडी के मैनिफेस्टो में दिया हुआ था, खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि इस बार अगर उनकी सरकार बनती है तो 10 लाख नौकरी वो देंगे, पक्की सरकारी नौकरी देंगे। इस बात पर जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तंज कसते हुए क्या कुछ कहा है, आप देखिए इस वीडियो में। आजकल कहते हैं मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, कहा कि नहीं कहा? उनको मालूम है कि उनके पिताजी ने और माताजी ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को बिहार से पलायन करा दिया था। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? अगर गलत बोल रहा हूं तो खड़े होकर बताओ गलत बोल रहा हूं क्या? इनके माताजी और पिताजी ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को पलायन करा दिया। और क्या बोलते थे लालू जी कि हमारा आदमी धोती कुर्ता पहन के जाता है, शॉर्ट पैंट पहन के लौटता है, जैसे यहां से भेजने में अपने आप अपनी अपनी हिम्मत समझते थे, यूएसपी समझते थे। मित्रों, अगर बिहार को फिर से किसी ने बसाया और पटरी पर लाया तो बिहार में नीतीश कुमार ने लाया, और आशीर्वाद मिला तो नरेंद्र मोदी जी का मिला है, इस बात को समझना चाहिए। तो सुना आपने, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिन्होंने तेजस्वी लालू पर तंज कसते हुए ये बयान दिया है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और बिहार विधानसभा चुनाव के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन न्यूज को। धन्यवाद।